श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम, हरेंद्र भैयानंद लीलम दीदी के प्रणाम, प्रणाम के स्वीकार करी। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम, प्रणाम के स्वीकार करी। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग अपने शिव को गुरु माने हैं, जो हमारे दादा बाप और दादा ने बाबा कह के पूजा करते थे, बाबा भोलेनाथ, उनको हम लोग गुरु माने हैं। जैसा जैसा काम जहाँ जहाँ किए हैं वैसा वैसा उनको नाम पड़ा है, अनेक नाम से इनको पूजा होता है। तो हम लोग साहब हरेंद्रानंद ने हम लोग के बताए कि शिव गुरु हैं, शिव को गुरु मान लीजिए। तो हम लोग शिव गुरु के मान लिए हैं और मान के हर दिल के दुख दर्द पल भर के उनसे हम लोग सुनाते हैं, उठते भी बैठते भी सुते भी, कि हे शिव गुरु आप हमारे गुरु हैं, आपके हम शिष्या हैं, आप हमारे गुरु हैं, अपने शिष्या पर थोड़ा सा दया करें, आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा। हर पल में हम लोग के याद रहता है, अपने महादेव से दया मांगते हैं। और देखिए गुरु भाई गुरु बहना, जब गुरु भाई और गुरु बहना पर जब संकट पड़ जाता है, तब गुरु महादेव को बार बार याद करते हैं, बार बार उनसे दया मांगते हैं। और जब संकट दूर हो जाता है तो कहाँ गए गुरु या कहाँ गए सुरु, कोई नहीं समझ में आता है। जब दुख पड़ता है तब गुरु के दरबार लौटता है और गुरु भाई गुरु बहना लोग याद करते हैं। न तो एक समय का बात था कि हम लोग गली गली घूमते थे, हर दरवाज़ा किली ठोकते थे कि गुरु भाई गुरु बहना लोग शिव को गुरु बना लीजिए, शिव आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। इतना जब हम लोग कहते थे, कोई समझदार रहता था तो घर में से निकल के अच्छा से बतियाता था, न तो कोई रहता था झगड़ाहुन लड़ाकुन तो निकल के भीतरे से बोलते गाड़ी देते उन लोग आता था कि सब कहाँ से आती है, सब आल जल बतियाने के लिए, एथी करने के लिए, कहाँ से गुरु आए, कहाँ से गुरु हो गए, नया गुरु कहाँ से ऊपर हो गए, लोग तरह तरह के हम लोग संगे सवाल करता था। लेकिन आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि जो आदमी जो गुरु भाई गुरु बहना हम लोग के दरवाजा पर से खट्टा मीठा बोल के भगाए थे, उस आदमी आज फोन कर के आज घोषणा करा रहे हैं। उस आदमी हर जगह घोषणा करा रहे हैं, अपने शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे शिव गुरु आप ही अब रक्षा कीजिए, दूसर कोई रक्षा नहीं करेगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, कोरोना तो आया था, परे साल से डवाडोल चल रहा है, लेकिन वो कोरोना रोग महामारी में तो झेलिए रहे थे हम लोग। अब दूसर दूगो नया नया रोग आ गया है कि और धरती तल उफल हो गया है, कि संसार के आदमी कुछ भूखे मर रहा है और कुछ दहल के मर रहा है सुन के, कि जिसका रोग नहीं है शरीर में उसका रोग हो जा रहा है सुन के हदस से, कि अब हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे बाल बच्चा के संग रहेंगे, कैसे क्या करेंगे। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, एक शांति का भोजन होता है, एगो बेशांति का भोजन होता है। अगर शरीर में संकट रहेगा, दुख रहेगा, तो वो भोजन कोई काम नहीं करेगा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, एक हमारे ही जवार के गुरु भाई हमसे सवाल पूछे हैं कि ये बताइए दीदी कि विपत किसको कहा जाता है और दुख किसको कहा जाता है और किसको मुसीबत कहा जाता है। बताइए गुरु भाई गुरु बहना लोग कि जो धरती पर आए हैं, क्या उनको दुख नहीं मिला है, कि उनको मुसीबत नहीं पड़ा है, कि उनको विपत नहीं पड़ा है, उनको अभी मालूम नहीं है कि वो गुरु भाई हमसे सवाल पूछे हैं कि क्या चीज़ का दुख कहा जाता है या क्या चीज़ का मुसीबत कहा जाता है और क्या चीज़ का विपत कहा जाता है। हमसे गुरु भाई पूछे तो हम गोदी में बच्चा लिए थे, हम कुछ बिजी में थे, हम फोन काट दिए, उनको जवाब नहीं दिए। और फिर गुरु भाई हम पर फिर दोबारा फोन नहीं किए, वो सोच गए कि ये डरा गई, इसको नहीं आता है इसीलिए नहीं बताई। अरे आता काहे नहीं है, देखो बच्चा जानता है कि दुख का कहता है, मुसीबत का कहता है, विपत का कहता है। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, संसार जानता है, हमको बताने से कोई नहीं जानेगा, लेकिन जब यहाँ सवाल पहुँचा है तो इसको उत्तर हमको देना ही है, उत्तर इसको हम देंगे, दे रहे हैं और गुरु भाई गुरु बहना सुनेंगे ध्यान से। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, विपत वही चीज का कहता है,
कहा जाता है कि आय हाय ओकरा पर बहुत भारी विपत पड़ा है। भगवान ना करे, महादेव ना करे, ईश्वर ना करे कि किसी पर विपत पड़े। एक सात घर दुश्मनों हो उसके लिए हम लोग दया मांगते हैं कि हे प्रभु हे ईश्वर, वो हमारे लिए कुइयां खान रहा है लेकिन उसके लिए हम नहीं कहेंगे कुइयां खानने के लिए, उसको रक्षा कीजिएगा। उसको जब विपत पड़ जाता है तो हम लोग के मुंह से दया आता है कि उनको दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। विपत उसी के कहा जाता है, गुरु भाई गुरु बहना समय नहीं है जाने के लिए, बेसमय में हंस बोल के घर से गए, चाहे बढ़िया से घर से गए, चाहे भी बढ़िया हमसे बतिया रहे हैं आ गए, उसको कुछ कुछ घटना हो गया और क्षण ही में उनका मृत्यु हो गया, उसी को कहा जाता है विपत। ओकरे पर घर संसार चलता है। तो वो जब आदमी घर से निकल जाएगा तो घर में विपत नहीं पड़ेगा तो का सुखी पड़ेगा, उसको कहा जाता है विपत। कि फलनिया पर बड़ी भारी विपत पड़ा है कि वही घर चलाने वाला था उसी पर ऐसा विपत पड़ गया कि उसका घर थूस गया, उसको कहा जाता है विपत। कौन नहीं जानता है कि किसको घर मरनी होता है और चटके कोनो बात हो जाता है तो उसको कहा जाता है विपत। आप लोग आँख खोल के देख रहे हैं कि कोरोना महामारी से घर के घर परिवार के परिवार उलट जा रहा है, तो वही के विपत कहा जाता है, वही विपत है। विपत कहीं दूसरा ठंड से नहीं आता है। मुसीबत कहा जाता है इसको, कि मुसीबत के मतलब कि उनका शरीर में कष्ट है, कष्ट इतना है कि कष्ट से वो झेल रहे हैं, इतना कष्ट झेल रहे हैं कि उनको दवा भी नहीं सुन रहा है, उनको दुआ भी नहीं सुन रहा है, उनको कुछ भी नहीं सुन रहा है, वो बेचारे कष्ट में है। तो देखिए विपद और दुख और मुसीबत इसी को कहा जाता है। तो विपत तो बता दिए गुरु भाई गुरु बहना कि इस तरह से विपत पड़ता है, लेकिन कष्ट जो मुसीबत है तो मुसीबत उसी को कहा जाता है कि दवा कर रहे हैं कुछ नहीं सुन रहा है, कर्जा काढ़ के रुपया लगा रहे हैं कुछ सुनवाई नहीं है, और दुख में हम झेल रहे हैं। मुसीबत ये चीज़ के कहता है कि कितनों हम कमाते हैं, कितनों घर में लाते हैं, हमारे घर में रोजी रोटी का बरकत नहीं है, हमारे समांग बेटा पढ़ा लिखा पड़ा हुआ है उसको नौकरी धंधा नहीं लगता है, वो कहता है मुसीबत। कहीं हम गए ठोकर लग गया गिर गए तो वहाँ हम कष्ट में पड़ गए, वही मुसीबत होता है। तो देखिए हम लोग पर हर तरह के दुख आता है गुरु भाई गुरु बहना, हर तरह के मुसीबत आता है, इंसान हर तरह से झेलता है और हर इंसान पर विपत पड़ता है, कौना पर नहीं। वही के गुरु भाई बोले थे, एक गुरु भाई हमारे घर चर्चा किए थे, उन पर ही सवाल आया था कि आखिर विपत किसको कहा जाता है, किसको मुसीबत कहा जाता है, किसको दुख कहा जाता है। तो दुख यही के कहा जाता है कि घर में सब कुछ है लेकिन कोई बनाने खियाने वाला नहीं है, दुख से हम झेल रहे हैं, रुपया लाग रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमारे दुख दूर नहीं हो रहा है। मुसीबत तो ही है कि कहीं गए हम ठोकर लग गया गोड़ टूट गया, कहीं गए हमारा हाथ टूट गया, कहीं गए हमारा और कुछ घटना हो गया, कहीं बाल बच्चा रुपया लगा लगा के हम पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं नौकरी धंधा के लिए दिए, रुपया भी पानी में चला गया, नौकरी भी नहीं मिला, कहीं कमाने के लिए गया वहाँ रोजी रोटी भी नहीं मिला, वहाँ से ठोकर खा के चलाया, वो है दुख। क्या करें भाई, हम तो दुख से झेल रहे हैं, इसी के कहा जाता है। तो दुख और मुसीबत और विपत तीनों साथे साथ चलता है। और देखिए भैया लोग दीदी लोग सुख कीजिएगा आप लोग, तो दुख कौन करेगा। ये तो ये बनाया गया है कि कहीं धूप कहीं छाया, कभी पानी कभी घाम, कभी दुख कभी सुख, ये सब कुछ साथ ही साथ चलता है। सुख कीजिएगा आप लोग तो दुख कौन करेगा। दुख सुख सब हम लोग के जीवन में वहीं से लिखा गया आता है और हम लोग का यहाँ धरती पर सब चुकती करना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि फलाने आदमी से चिल्लाने से कोई से हम गर्दन चिप करके उसका रुपया उसका पैसा उसका घर उसका जजात हथिया लिए और हम ऐश मौज करेंगे, ऐश मौज कोई नहीं करता है। इस युग में आप जाइएगा
ऐश मौज करके, लेकिन उस युग में आइएगा तो उसका जौन सदस्य है, उसका घर का परिवार है, जो मेठ मालिक है, उसके आपका कोख में कोई ऐसा रोग लेके जन्म लेगा कि आपका घर बिक जाएगा, आपका शरीर बिक जाएगा। उसको दवा कराते कराते, उसको इलाज कराते कराते, जिसी दिन जितना उसका पाई पाई सूदे मूरे जोड़ के वसूल नहीं करेगा, उस दिन आपको शरीर छोड़ करके नहीं जाएगा। तो क्या कीजिएगा किसी को बेईमानी करके, क्या कीजिएगा किसी को मर्डर करके, क्या कीजिएगा किसी को अपहरण करके, क्या कीजिएगा किसी को कार्रवाई करके, क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करना है। मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसार के जाएंगे। यही ईश्वर से कहना है कि हे ईश्वर, जब आप जन्म दिए हैं तो हमको खाने के आप ही दीजिएगा, पहनने के कपड़ा आप ही दीजिएगा, चलने का राह आप ही बताइएगा, सब ज्ञान आप दीजिएगा। हम कौना मार्ग से जिएंगे, कौना मार्ग से खाएंगे, कौना राह से चलेंगे, आप प्रभु दीजिएगा। आप जन्म दिए हैं, आप भी लिखे हैं, सब में आपका हाथ है। हे ईश्वर, आपका सब में हाथ है। तो भैया दीदी लोग, यही हम कहेंगे कि देखिए, शिव का गुरु मानना है तो तन मन से मान लीजिए, और कहाँ जाइएगा भाग के? थोड़ा दुख पड़ता है तो गुरु बहना लोग कहते कि दे ए गुरु के ना छोड़ दो, दूसरा गुरु में हो जा। कहीं जाइएगा, जब घर से दाना नहीं मिलता है, घर का खाना छोड़ के आदमी बाहर निकलते हैं तो घर में जब दाना नहीं मिलता है तो बाहर में भी कोई नहीं पूछता है, और घर से भरपेट खाना खा के निकलिएगा तो बाहर में करोड़ों आदमी आपको पूछेगा, चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, खाना खा लीजिए। तो खाने वाले के नाम दाने दाने पर लिखल रहता है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, हम लोग काहे के अथी करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस लगल रहिए, विश्वास पर रहिए, ईमानदारी से रहिएगा तो हर जगह खाना मिलेगा। ईमानदारी से रहिएगा, थोड़ा कष्ट होगा लेकिन वहाँ भी आपको बस्तर एगो मिलेगा पहनने के लिए। अपन आप लोग विचार कीजिए गुरु भाई गुरु बहना, कि एक पागल घूमता है तो आदमी सोचता है कि कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, कौन इसको देगा, लेकिन आपसे अच्छा अच्छा खाना उस पागला के मिलता है, अच्छा अच्छा आपसे बढ़िया उसको कपड़ा तरह तरह के मिलेगा पहनने के लिए, लेकिन उसको पहनने के सूधे नहीं है तो कैसे पहनेगा? खाने का उसको सूधे नहीं है, लेकिन खाना उसको भगवान ऊपर वाले ने सब देते हैं। वो लाख नहीं कमाता है, लाख गली गली कचरा बटोरता है, फिर भी उसको सुख से खाना मिलता है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, जो हम लोग कर्तव्य करके यहाँ से जाएंगे वही हम लोग के मिलेगा। दूसरा के धन दे के हारना नहीं है, न दूसरा का बेटा का नौकरी दे के हारना है। जो आपको घर में मिल रहा है, ईश्वर दे रहे हैं, उसी के खाइए, उसी के भरोसा पर रहिए। मन धीरे करो, घबराओ नहीं, सब कुछ गुरु देंगे, धीरे धीरे सब कुछ देंगे, लेकिन धीरे धीरे देंगे। तो हरेंद्रानंद साहब ने तीन सूत्र दिए हैं, तीन सूत्र का आप लोग पालन कीजिए। दया मांगिए कि हे शिव गुरु, आप हाँ आपके हम शिष्या हैं, आप हमारे गुरु हैं, अपने शिष्या पर दया कीजिए। आप नहीं दया करेंगे तो कौन करेगा? दूसरे में कोई गुरु भाई गुरु बहना से खाली दो बात बता देना है, हाल चाल करते करते कह देना है कि हम तो शिव के गुरु मान लिए हैं, आप लोग भी मान लीजिए, हमको दया मिला है, आपको भी मिलेगा। सातु पिसान के मोटरी बांध के चर्चा करने नहीं जाना है, हाल चाल करते करते बता देना है। और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय के प्रणाम करना है, सांस लेना है तो नमः, छोड़ना है तो शिवाय। बहुत सा गुरु बहना लोग नमः शिवाय के बारे में सवाल पूछती है, कितना कितना हम लोग सवाल देंगे। अगर थोड़ा सा घर के दूसरा घर का शिकायत कहिएगा तो पट दे दिमाग में टक कर लेगी और दूसरा घर जाके बता देगी। और तीन सूत्र के बारे में हम लोग बोलते हैं तो वो लोग भुला जाती है। तो यही तीन गो सूत्रवा करना है दीदी बहनी लोग, इसको आप लोग अपना लीजिए। ये महामारी कोरोना रोग में अपना लीजिएगा तो जीवन भर के हम लोग का ही इससे जीवन बूटी हो जाएगा। यही हम कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। इतने कह के अपने चर्चा अपने गुरु के चरणों में रख रही हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम कोटि कोटि कर रही हूँ।